नमस्कार, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था, जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। उनके पिता कटक में एक सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने अपने भाई बहनों की तरह ही अपनी स्कूली शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, जो वर्तमान में स्टीवर्ट हाई स्कूल है, में की। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 16 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की रचनाएं पढ़ने के बाद वे उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। उसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल के बारे में सुनने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने कांग्रेस को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बनाया। आंदोलन के दौरान उन्हें महात्मा गांधी ने चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो उनके राजनीतिक गुरु बने। उसके बाद वे बंगाल कांग्रेस स्वयंसेवकों के युवा शिक्षक और कमांडेंट बन गए। उन्होंने स्वराज समाचार पत्र शुरू किया। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और स्वतंत्रता के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसने व्यापक औद्योगिकरण की नीति तैयार की। हालांकि ये गांधीवादी आर्थिक विचार के अनुरूप नहीं था, जो कुटीर उद्योगों और देश के अपने संसाधनों के उपयोग से लाभ उठाने की धारणा से जुड़ा था। बोस को 1939 में समर्थन मिला, जब उन्होंने एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को दोबारा चुनाव में हरा दिया। बहरहाल, गांधी के समर्थन की कमी के कारण विद्रोही अध्यक्ष ने इस्तीफा देने के लिए बाध्य महसूस किया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। वह कांग्रेस में अपने वामपंथी विचारों के लिए जाने जाते थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के सभी कट्टरपंथी तत्वों को एक साथ लाना था, ताकि वह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ फैला सके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास आजाद हिंद फौज का गठन और गतिविधियां थी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या INA के रूप में भी जाना जाता है। राजबिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी, जो भारत से सुरक्षित निकल गए थे और कई वर्षों से जापान में रह रहे थे, ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। जब जापान ने ब्रिटिश सेनाओं को हरा दिया और दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया, तो लीग ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के उद्देश्य से युद्ध के भारतीय कैदियों के बीच से भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। जनरल मोहन सिंह, जो ब्रिटिश भारत सेना में एक अधिकारी थे, ने इस सेना के गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच सुभाष चंद्र बोस 1941 में भारत से सुरक्षित निकल गए और भारत की आज़ादी के लिए काम करने के लिए जर्मनी चले गए।
1943 में वे भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व करने और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण करने के लिए सिंगापुर आए ताकि इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे जिनमें भारतीय युद्धबंदियों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय भी थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस, जो अब लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से जाने जाते थे, ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद हिंद की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की। नेताजी अंडमान गए, जिस पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था, और वहां भारत का झंडा फहराया। 1944 की शुरुआत में आज़ाद हिंद फौज यानी INA के 3 इकाइयों ने अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर हमले में भाग लिया। हालांकि आज़ाद हिंद फौज द्वारा भारत को आज़ाद करने का प्रयास विफल रहा, लेकिन बाद में ये सबसे प्रमुख कारण बन गया जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व कौशल और एक करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने कहा था कि आज़ादी मिलती नहीं है, हासिल की जाती है। इन शब्दों को हम कभी नहीं भूल सकते। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और जय हिंद।